तो हेलो गाइस, हाय, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। तो आज की छुट्टी थी तो आज मैंने सोचा व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो फिर आप सभी को, काफ़ी लोगों को पता ही है कि मैं फूडी टाइप बहुत ज़्यादा हूँ, फ्रेंड्स को और फैमिली वगैरह को जो वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि कुछ इंटरेस्टिंग से आज कोई चीज़ बनाई जाए जो मैं खुद बनाऊँगा। आज मम्मी नहीं, मैं खुद बनाऊँगा, तो पूरा ही मैं बनाऊँगा कि आज किसी की हेल्प नहीं लेंगे, थोड़ी बहुत भैया वैया हेल्प कर सके शायद शायद, नहीं तो मैं खुद बनाने वाला हूँ आज। काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने सोची है, जैसे कि आप थंबनेल में और टाइटल में देख चुके हैं। तो वो टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी वीडियो के स्टार्ट करते हैं और फिर आपको बना के दिखाते हैं। चलो दोस्तों, मैंने अभी 3 प्याज 3 टमाटर लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी मैं इनको छीलता हूँ, कट करता हूँ, देन और फिर छोटे छोटे पीसेस करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्याज को जो है वो ग्राइंड कर दिया है छोटे छोटे पीसेस में इससे। और अभी ये टमाटर रहते हैं, कुछ कम रह जाएंगे, इसको भी लेकर आएंगे और फिर करते हैं काम शुरू। सो गाइस, हमारी प्याज जो है वो ग्राइंड हो चुकी है और टमाटर जो है वो हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो प्याज और टमाटर जो है हम दोनों हमने कर लिया है। अब मसाले वगैरह रेडी करते हैं और सामान वगैरह धो के रखते हैं और फिर जैसे चलते कि हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं ना छत पे आ चुका हूँ और पीछे सामान मैं लेकर आया हूँ, मटका और कोयला वगैरह। और अभी यहाँ पे बनाते हैं हम चूल्हा टाइप, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, तो वो तैयार करते हैं और फिर आग लगाते हैं और मटका रखते हैं, साफ़ करते हैं मटके को पहले और काम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको तैयार कर दिया है और आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। यहाँ से अपना कोयला डालने के लिए है और ये ईंट रखी है यहाँ पे, यहाँ पे अंदर कोयला रहेगा और उसके ऊपर ये मटका रहेगा। अभी मैं इसको धोता हूँ और इसको साफ़ करते हैं, क्योंकि अभी गंदा है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। इसको पहले साफ़ करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर बनाएंगे इसके अंदर। और कोयला ये रहा अपना, इसको भी तैयार करना जला के, अब स्टार्ट करते हैं चलो काम। तो गाइस, अभी हमने लोकेशन चेंज कर दिया, ऊपर की जगह अभी हम गैस पे बना रहे हैं, चूल्हे पे नेक्स्ट टाइम कुछ बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उस पर, तो गैस पे थोड़ा जल्दी बन जाएगी, इसलिए गैस पे बना रहे हैं आज। और अभी सामान वगैरह सब नीचे लेके आ चुके हैं, मैं दिखाता हूँ। चूल्हे पर गड़ा रख दिया है, जैसे बर्तन रखते हैं नॉर्मल वैसे। और मसाले वसेला तो आपको पता ही था, तैयार करके लेके जा ही रहा था मैं, वापस ले आया। गाइस, आप अंदर देख सकते हैं जो तेल है वो थोड़ा सा बॉइलिंग सा हो गया है, गद्दे जो कहते हैं जो वो लगने स्टार्ट हो गए हैं, आप ध्यान से देख पा रहे हो। तो अभी इसके अंदर जीरा वगैरह हम डालते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी हम इसमें डालेंगे जीरा, 2 चम्मच छोटी जीरा, एक बात मैं बताना भूल गया आप सभी को कि ये मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रहा हूँ, आंखों को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ध्यान से चेक कर रहा हूँ। थोड़ा सा और जीरा डाल देता हूँ मैं इसमें, और अभी अब थोड़ा सा जीरा जो है ना ब्राउनिश हो जाए, फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे जो मैंने सुबह ही कट कर दी थी ग्राइंडर से। मैं इसको हाथ से डालना पसंद करूंगा। पहली बार बना रहा हूँ, आपको इसका टेस्ट अच्छा है, आई थॉट सो। सो गाइस, हमने प्याज तो डाल दी थी और इसको ना थोड़ा सा ब्राउनिश होने का वेट करते हैं। अंदर देख सकते हैं आप, पक रही है वो, तो ब्राउनिश जब वो हो जाएंगी आपको दिखाता हूँ मैं, अब दिखेगा आपको साथ। तो गाइस, अब हम इसमें टमाटर का जो पेस्ट है वो डालते हैं। हाथ ना मैंने वॉश कर लिए थे अच्छे से, तो ऐसा नहीं है कि हाथ गंदे हैं। बीच बीच में मैं वॉश करता रहता हूँ हाथों को,
इसीलिए हाथों से ज्यादा काम करता हूँ। मेरे को खाने पीने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं ऐसे ऐसे चीज़ें, मैं चाचा जी, सनी चाचा जी है मेरा, मैं और सनी चाचा जी ने हमने बहुत सारी ऐसी बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई हैं जो आपको दिखाएंगे जल्द ही। हम ऐसे ऐसे चीज़ें बना के खाते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़, मतलब उसका भी एक अलग ही टाइप का अंदाज होता है खाने का भी, और जो टेस्ट आता है वो अलग, और जो हम खाते हैं वो चीज़, अब जहाँ बैठ के खाते हैं और उस जिस अंदाज से खाते हैं ना वो चीज़ अलग। सो गाइस, हमारा मसाला वो तैयार हो चुका है, सॉरी, तो अभी इसको हम इसके अंदर मसाले वसाले डालते हैं, देन ऐड करते हैं। और एक इसका जो मेन मसाला है वो भी डालूंगा मैं थोड़ा सा बाद में, लाया नहीं था एक्चुअल में मैं इसीलिए। तो चार छोटे चम्मच में नमक डाल देता हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच, दो छोटी चम्मच मिर्च, थोड़ा सा नमक और ऐड कर देता हूँ। और एक कश्मीरी मिर्च है, ये ना बिरयानी को जो है कलर देने में काम आएगी, रेड कलर। तो गाइस, हमने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं, दो ग्लास पानी डालते हैं इसमें, और फिर इसको ढक्कन लगा के रख देता है थोड़ी देर के लिए। इतने मसाले लेकर आते हैं, तो गाइस इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ अब दो मैगी मसाले के पैकेट पूरे। पैकेट पूरा अंदर नहीं फेंकना, मतलब पैकेट का मसाला जो है वो अंदर डालना है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद इसको हम चलाएंगे एक बार, जिसके उसके मसाले वसाले हैं वो अच्छे से मिल जाए। तो भाई जो खुशबू है ना वो तो काफी, स्मेल जो है काफी अच्छी आ रही है, और बाकी इसके अंदर एक जो मसाला होता है वो खड़ा मसाला होता है वो डालना है, लेकर आता हूँ मैं, वो ले लाना भूल गया था। तो खड़ा मसाला जो होता है ना वो मेन जो होता है वो चीज़ डालनी है, बहुत उससे टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो लेकर आते हैं। और आप दिखाता हूँ मैं आपको कितना अच्छा दिखने में भी लग रहा है अंदर से, आप देख सकते हैं मसाले और चावल दिख रहे होंगे आपको थोड़े थोड़े। तो अभी इसको करके मसाले वसाले लेकर आते हैं, फिर इसके अंदर डालते हैं, और अभी ढक्कन लगा देते हैं इसका, फिर आके बनाएंगे इसको पूरा, और बाकी काम आगे करते हैं। सो गाइस, मैं ना खड़े मसाले लेके आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ये इसके अंदर डालते हैं, मैंने ढक्कन तो हटा ही लिया, इनको ऐसे डाल देते हैं, जल्दी हो रही है थोड़ी।
मुझे लग रहा है इसको ग्राइंड करके डालना पड़ता है थोड़ा, जब वो मसाले वसाले डाले थे ना, जीरा वगैरह प्याज वगैरह जब डालना था इन्हें, बट कोई नहीं, हम ऐसे डाल देते हैं थोड़ा सा पक जाए बस और कुछ नहीं। वैसे तो चावल जो है वो तैयार हो ही चुके हैं आधे, मतलब जो खुशबू आ रही है ना लिटरली। तो गाइस फाइनली हमारी बन के तैयार हो चुकी है, बट इसमें क्या हो गया, थोड़ी सी ये जल गई, नीचे से लग गई, इसमें स्मेल बहुत गंदी आ रही है, नहीं तो वैसे तो काफ़ी अच्छी थी, थोड़ी सी जल गई है। फिर भी हम खा लेंगे, हम तो खाने वाले हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाई है, वैसे काफ़ी टेस्टी दिख रही है ये, वैसे जले जले की थोड़ी सी स्मेल से आ रही है, बट दिखी तो नहीं रही कहीं से जली हुई, देखिए कहीं से दिख तो रही थी, अभी काफ़ी नीचे तक निकाल लिया मैंने, नहीं जली तो नहीं है, वैसे स्मेल से आ रही है बस, क्या पता थोड़ी बहुत साइड वाइड से कहीं से जली हो, बट टेस्टी काफ़ी लग रही है। अभी टेस्ट करते हैं इसको, प्लेट में निकालते हैं फिर बताते हैं आपको कैसी बनी है। पापा जी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है, एक बार खा के तो देखो। गरम ना खाऊं गर्मी में। बिरयानी जो है खिचड़ी टाइप थोड़ी सी बन चुकी है, इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था और नीचे से ना तली से एक कोल की वजह से थोड़ी सी आ गई थी, बट वैसे तो काफ़ी सही लग रही है। बाकी अभी मैं टेस्ट करता हूँ देन फिर आपको मैं बताता हूँ कैसी बन रही है, वैसे तो बहुत टेस्टी है। हाँ सो गाइज अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि कैसी है, वैसे तो मेरे को काफ़ी बहुत बढ़िया लग रही है, इट्स आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया बन रही है, क्या बताऊँ, जो मटके वाला टेस्ट आता है ना लिटरली वो आ रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत सही सी नहीं लग रही, वैसे तो वो बहुत 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 बढ़िया बन रही है। तो आप भी इसे ट्राई करें और कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है। फिर मिलते हैं हम नए एक नए कल फिर बाद में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।